तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे आज, समझ आ रहा खा है? खा 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 तुझसे बकरा सोरा सर के खा देखो ऑलमोस्ट सारे बच्चे, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सुनो, जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया था। क्या माना गया था? पार्टिकल। लेकिन जो क्वांटम मॉडल है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है, मॉडर्न मॉडल है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मानते हैं हम लोग? हाँ, गैसीय स्टेट अभी हम लोग ने छोड़ दिया है, गैसीय स्टेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रियल गैस बाद में हो जाएगा, ठीक है? हम लोग यहीं तक करेंगे, उसके आगे वो वाला हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। जैसे बाकी बैचेस में हुआ है वैसे करना है हमें। सुनो, जो रियल गैस का पार्ट है वो बाद में कवर होगा, सबका छूटा हुआ है। ओके सर, रियल गैस का जो पार्ट है वो क्या कहते हैं, जैसे मई बैच है, अप्रैल बैच है, पुरानी जो बैचेस हैं, जून है, वो तो सब में लगभग सब में सब केटीजे तक होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी तक हुआ था। मतलब बस आइडियल गैस के ऊपर ही बात हुई थी, आइडियल गैस तक ही हुआ है। तो हम लोग भी रियल गैस जितना थोड़ा बहुत हुआ है उसको फिर से रिवाइज करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अभी हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बात और कर लें। इसके अंदर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इसको पढ़ें, उसके बाद क्वांटम नंबर्स है वहाँ पे, और भी चीज़ें हैं उनको हम याद करें, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, ये सारा हम लोग देखेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ध्यान से सुनेंगे इसको, याद करेंगे। तो हमें याद रखना है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड है। मतलब डुअल नेचर का कहना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल जैसा बिहेव भी करता है और इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव भी करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन दी पार्टिकल, ऑन दी पार्टिकल एंड वेव नेचर, एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इट इज नोन एज, इट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, मान लो आर डिस्टेंस पे, तो वो पार्टिकल जैसा घूमता नहीं है, उसके अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। उसके अंदर कैसा है, एक तरीके का डुअल नेचर है उसके अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से वो यहाँ पे ऐसे घूमता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर हम कोई पर्टिकुलर बात करें, हाइजेनबर्ग हमने पढ़ा था तो क्या बोला था कि कोई अगर बहुत छोटा पार्टिकल है, कोई हाई स्पीड सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उसकी हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी होगी।
तो हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वो साथ में वेव नेचर भी रखता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमता तो था, बट बोर मॉडल में हमने सिर्फ मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। अगर आप थोड़ा सा वो पहले वाला शॉर्ट में समझा सकते हो क्या, जिस टॉपिक्स के बारे में हम बोल रहे हैं, बोर मॉडल और नहीं हाइजेनबर्ग। वैसे इतना ही है, वो तो अलग टॉपिक है, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इसके अराउंड घूमता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब सर इसके अराउंड घूमता है तो वो कभी भी यहाँ पे सिंपली इस तरीके से नहीं घूमता है कि इसका सिर्फ जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है वो? वेव वेव फॉर्म, फॉर्म में। हाँ, वो एक सर्कुलर मोशन में एक्चुअली नहीं घूम रहा है। वो कैसे घूम रहा है? एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे, तो वो आर डिस्टेंस पे एग्जैक्टली नहीं है, या तो उसके आगे पीछे है, या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे सर्कुलर एक पाथ बनाओ, इसके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर्टिकुलर पोजीशंस पे मिल सकता है। तो ये ऐसा तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन इसमें सर्कुलर मोशन में ना घूमकर वेव फॉर्म में घूमे। मतलब एक वेव के फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट करता है। सर हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ाया क्या मैंने? हाइजेनबर्ग तो तुम्हारा कराया था मैंने। मेरा तो नहीं हुआ। अच्छा, क्या हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ाया क्या तुम लोगों ने क्लास में? नहीं आरएन नहीं सर बोल रहा है मैं तुम्हें? दक्ष हूँ ब्रो। नहीं, एक बच्चे ने कमेंट लिखा है कि उसको पढ़ना है हाइजेनबर्ग, और बच्चा है क्या ये सर मेरा हाइजेनबर्ग भी नहीं प्रथमेश? हुआ है शायद। अच्छा, सर मतलब ये नियरली ये जो एटॉमिक जो है ये एटॉमिक का लेसन वो हुआ ही नहीं है हाँ, मेरा, अच्छा बहुत चलो रह ठीक। गया। अच्छा, पुराने बच्चे जो हैं वो कहाँ तक पढ़े थे बताओ? वो सीरीज आपने बताया लाइमन सीरीज हाँ, वो वहां तक जिसमें एक्साइटेशन वगैरह अच्छा, दिखाया स्पेक्ट्रम तक ही तुम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये बोल रहे हो? था। यस सर चलो ठीक है। तो चलो इसके अंदर पहले हम, वैसे मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, और ठीक है फिर से एक बार पढ़ा देते हैं अगर पर नहीं पढ़ा शायद है। पढ़ाया होगा, पर कैसे पता, उसके पहले का भी रह गया था ना, तो फिर बीच में से ही एक ही छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, वो भी याद नहीं है अभी तो, क्योंकि मेरा बहुत मतलब बहुत रह गया है। अच्छा, नहीं अभी हम लोग आरएन पहले एटॉमिक पढ़ेंगे। चलो ठीक है, स्पेक्ट्रम तक तो सबको याद ही पढ़ा है, स्पेक्ट्रम तक सबको याद ही पढ़ा है, हाँ सर, स्पेक्ट्रम यस के सर, बारे में। सीधा मोल चालू कर दिया। अच्छा, तुमने मोल पढ़ा था, ठीक है, स्पेक्ट्रम तो अब काफी लोग को याद है, स्पेक्ट्रम पढ़ा था। चलो डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं, डुअल नेचर ऑफ सर मैटर। आपने जो ऊपर पढ़ाया अभी वो नोट करें या नहीं करें? उसको छोड़ दो, फिर उसको फिर से पढ़ाना ही है फिर, है ना? यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब केमिस्ट्री के अंदर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको बेनिफिट होगा इससे, और अगर किसी ने पढ़ा भी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है सर कौन सा टॉपिक है, डी भेजा है देखो। क्या? हाँ, डी ब्रॉय वेवलेंथ का है टॉपिक ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आता है, ये स्पेक्ट्रम के बाद आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सर पहले बोर्स मॉडल है फिर स्पेक्ट्रम। हाँ, ये स्ट्रक्चर में आफ्टर स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम तक जो है हो गया, उसके बाद ये ड्यूअल नेचर आता है मैटर का। अब इसके ऊपर बात करनी है हमें, ठीक है? तो हमें याद रखना है कि जैसे हमने पढ़ा है लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट जो होती है फोटोन के फॉर्म में भी होती है और लाइट का हम लोग वेव नेचर भी मानते हैं, उस तरीके से डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर हमारे पास पार्टिकल है वो मोशन में है तो उसके अंदर वेव नेचर आ जाता है। मतलब ऐसा बोला, अगर कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसको बहुत हाई स्पीड से फेंका हमने,
थ्रो किया तो उसके अंदर वेव नेचर भी आता है, पार्टिकल तो वो है बट जब वो मोशन में बॉल है तो उसके अंदर कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, उसको हम एज ए वेव कंसीडर कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल है उसको हमने थ्रो किया ऐसे, तो हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल तो है बॉल लेकिन इसके अंदर क्या है, वेव नेचर भी है, इसके अंदर क्या है, वेव नेचर भी है। अब उसकी क्या वेवलेंथ है क्या नहीं है वो हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग डी ब्रॉगली से बताएंगे कि उसके अंदर वेव नेचर कैसा है, कैसे हम उसकी जो है बात करते हैं, ये उसकी वैल्यू वेवलेंथ की कैसे निकालते हैं, ये सब किस में आएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मैटर, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लिख सकते हो, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये अलग से समझाया था, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी is given by the relation, क्या relation है, lambda is equal to h upon mv। समझो मेरी बात ध्यान से, according to de Broglie the wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity of v is given by the relation। अच्छा देखो मैं थोड़ा सा तुमको बैक पीछे ले चलता हूँ, फ्लैशबैक देता हूँ, क्या है, वेवलेंथ की बात कब करते हैं बताओ, जब वेव होता है ना, जब कोई चीज वेव फॉर्म में होती है तब उसके लिए क्या बात करते थे, वेवलेंथ की। लेकिन जब हम लोग किसी पार्टिकल की बात करते हैं और उसके ऊपर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अप्लाई करते हैं, ये बोलते हैं कि जो पार्टिकल है उसके अंदर वेव नेचर भी होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वेवलेंथ, इसको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तुमको तुमको सुनाई दे रहा है सबको, तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, सिंपली क्या याद रखना है, जैसे मैंने बोला ना, कोई क्रिकेट बॉल को जब हम बहुत तेजी के साथ थ्रो करते हैं या कोई बाइक जब किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है तो उसके अंदर वेव नेचर भी आ जाता है, मतलब वो एज ए वेव भी बिहेव करने लगता है। वेव कहने का मतलब क्या है कि उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, है ना, उसके पास जो है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे कोई स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को अगर हमने यहाँ से ऐसे बांधा है और उसके बाद यहाँ से अगर उसको जर्क करते हो, वेव बनती है ना, ये एक्चुअल वेव है, ये जो वेव है ये हमारे पास, वॉइस सही नहीं आ रही है क्या, वो स्ट्रिंग के बाद नहीं आई सर, आपका हर बार 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 ऐसा ऐसा हो रहा है ना, बीच में चली जाती है 2 मिनट के लिए। अच्छा मतलब एकदम से चली जाती है आवाज, उसके बाद फिर एकदम से आ जाती है इस तरीके का बता रहे हो, लेकिन हर एक 2 मिनट में होता है, तो जैसे आप सेंटेंस बोल रहे होते हैं 2-3 वर्ड्स बीच में गायब हो जाते हैं। हाँ वो फास्ट फॉरवर्ड टाइप का ना। देखो किसी भी स्ट्रिंग को जब हम जर्क कर रहे हैं, ये मैंने बोला है, जैसे यहाँ जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को जब हम क्या करेंगे, जर्क करेंगे, तो इसके अंदर एक वेव का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एक वेव बन जाएगी, ये एक एक्चुअल वेव है। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को एक कह सकते हैं बॉल पे अप्लाई करें, क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है जिसको हमने पर्टिकुलर
है वापस किसी भी चीज को, चाहे वो, हाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं खुद हूँ या कोई क्रिकेट की बॉल है या एनीथिंग, कोई भी मैटर है जिसके पास मास है, अगर उसको v वेलोसिटी दी हमने, कितनी वेलोसिटी दी, v वेलोसिटी, तो उसका लैम्डा कितना हो जाएगा, h अपॉन एम वी। लैम्डा वेवलेंथ होती है, ठीक है, लैम्डा क्या होती है, वेव, हाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ लैम्डा क्या है, यहाँ पे ऊपर भी लिखा है, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, बट लैम्डा के बारे में अभी तक नहीं लिखा। लैम्डा एच क्या होता है, बोलो एच क्या सर, वापस कितने लोग को एच पता है क्या, हाइट सर, प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, अच्छा बताओ एम क्या है, मास, जो भी पार्टिकल है उसका क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट बता सकते हो, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, इसकी वैल्यू है 6.624 626, एक्चुअली याद रखो 6.626 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है सर, दिख नहीं रहा, नहीं याद रख लोगे, ये इधर साइड में लिखा मैंने, एच की वैल्यू लिखी है, एच की वैल्यू सबको दिख, नहीं सर अब आ गया, अब आ गया, अच्छा तो सब लोग लिखें इसको सर, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो आप सर, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सर एक मिनट के लिए आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, हाँ इसको नोट कर लें यहाँ से, अच्छा इसको मैंने वहां पे पढ़ाया है शायद जो हम लोग एनसीईआरटी के लेक्चर ले रहे थे, yes, sir, उसमें पढ़ाया था डी ब्रोगली वेव और नेचर, हाँ उसमें भी पढ़ाया था ना, हाँ सर, अच्छा अच्छा चलो, तो डबल डबल हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा, सेम yes, चीज है जिसने वहां पे पढ़ा है तो पूरा होगा, है ना, सवाल टेस्ट में है ना, इसके जो है प्रॉब्लम्स यूनिट टेस्ट में पूछे जा चुके हैं इंटीग्रेटेड बच्चों के लिए, यस सर, नॉन एंटी वालों को नहीं हुआ होगा, तो नॉन एंटी वाले इसलिए नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए मैंने शुरुआत से इसको पढ़ा दिया, सर ये एनसीईआरटी कौन सी बैच है, मतलब जो नॉन एंटी बच्चे हैं ना वो तो कॉलेज का नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेटेड है ना, हाँ सर, कॉलेज का भी पढ़ाते हैं ना, समझे, हाँ सर, सर तो फिर वो तो एसबी हुए ना, एसबी लेक्चर्स हुए ना, ये स्टेट बैच, हाँ सर स्टेट बोर्ड के, अरे एनसीईआरटी का मतलब है जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो, ओके सर समझ गए, हाँ सर, हाँ तो वो दोनों ही हैं, उनकी अलग अलग बैच होती हैं, स्टेट बोर्ड के भी ये बैच होती है इंटीग्रेटेड में, तो वहाँ पे भी इसको पढ़ाया था, तो अगर ये रेगुलर क्लास में नहीं याद हुआ है कि नहीं, तो फिर इसको इसलिए दोबारा पढ़ रहे, ताकि ये कम से कम सबका एक बार हो जाए, जिन्होंने पढ़ा है उनका तो रिवाइज भी हो जाएगा, सर ये रिवीजन लेक्चर कब होंगे इसके, अच्छा इसके रिवीजन लेक्चर एटॉमिक के पूछ रहे हो क्या, जो पिछला एटॉमिक, हाँ सर एटॉमिक का, एटॉमिक मतलब ये पूरा ही आएगा ना अब सब उसमें, अब तो ये तो पढ़ ही रहे हो, ये थोड़ा ना पढ़ाया जाएगा अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये तो अब हो गया, ओके सर, तो फिर वो बाकी के बचे हुए सब पॉइंट्स, अरे वो रिवीजन लेक्चर क्यों बोला गया, जिसे जिसे कवर अप होना है ना, वो हो कवर अप रहा है, लेकिन उसमें जिसको आना है तो उसके लिए रिवीजन हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, हां सर, नहीं सर वही कब होगा, पर वो कवर अप लेक्चर वो कवर अप दो बार हो चुके हैं एक्चुअली, सुनो जो जो बच्चे जुलाई बैच के हैं ना, तो जब जुलाई बैच स्टार्ट हुआ था तो उसमें शुरुआत में रखा गया था उसको, उसमें हमने पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं उसमें, शायद स्टार्टिंग में कुछ बच्चे आए हैं मुझे जहां तक याद है, उसके बाद फिर और भी बच्चे आए, तो उनका जो है स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया उनको बोर मॉडल से, है ना, मिताली वगैरह उसमें पढ़ती थी,
तुमने ही पढ़ा होगा प्रथम शायद। हाँ सर शायद पढ़ा होगा सर। लेकिन अब क्या है कि थोड़े बच्चे 20-25 दिन पहले शायद आए हैं, तो उनका जो छूटा है उसके लिए भी लगाना पड़ेगा। ज्यादा बच्चे नहीं है वैसे, 3-4 बच्चे हैं, तो क्योंकि सिलेबस जो है स्टार्टिंग का कब होगा, मतलब ये बोर्स मॉडल और उसके पहले कुछ अगर रह गया था। बोर्स मॉडल पहले, बोर्स मॉडल के पहले जो है ना उससे तो आता ही नहीं एग्जाम में कुछ, लेकिन फिर भी उसको मैंने उनको पढ़ाया है जो बच्चे बहुत स्टार्टिंग में आए थे, उनका कवर अप हुआ था उसमें, कौन सा उसमें रदरफोर्ड है मॉडल है, थॉमसन मॉडल है। बात कर रहे हो क्या? हाँ सर वो रदरफोर्ड का जो है ना आपने एक दो लेक्चर लिए थे ना कवर अप उसमें, हाँ। वो जूलियस प्लकर और वो बस आपने एक दो ही लेक्चर लिए थे, उसके बाद आपने लिया ही नहीं। एनोड रेज थॉमसन लगा ही नहीं हुआ, तो वो एक दो लगा देंगे उसमें हो जाएगा। एनोड रेज कैथोड रेज, एक्चुअली मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे बच्चों को क्योंकि वो सिलेबस से हटाया है उससे जेई में सवाल ही नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं सर? नीट में और नीट में भी नहीं, उससे नहीं आता है वो, उसको इंट्रोडक्शन पार्ट बोलते हैं ना। तो सवाल आने की उम्मीद होती है वो बोर मॉडल से स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? और अभी अभी डिलीट भी किया है पोर्शन एनसीईआरटी से, तो वो जेई से नहीं डिलीट है लेकिन एनसीईआरटी जो है उससे भी हटा दिया है शुरुआत का, इसलिए उस पे जो है कवर अप में नहीं हुआ है, नॉर्मल लेक्चर सब में हुआ है लेकिन कवर अप में सिर्फ वो एक बार हुआ है, और फिर हमने शायद 2 लेक्चर लिए थे। सर अगर कवर अप होगा तो आप ही आओगे ना पढ़ाने को? आओगे हाँ, कवर अप किसी दिन लगाएंगे, देखो अभी तो बहुत ज्यादा क्लासेस हैं। सर मोल कॉन्सेप्ट का क्या होगा? इंटीग्रेटेड पे मोल कॉन्सेप्ट का तो कवर अप बहुत कम बच्चों का छूटा है। एक्चुअली क्या है, मोल कॉन्सेप्ट तक सारे बच्चे इधर आ गए थे जुलाई में, जिनका एडमिशन 20-25 दिन पहले हुआ है। हाँ सिद्धार्थ देखो बोल रहा है इंटीग्रेटेड में 2 बार हुआ है, तो हुआ तो बहुत बार है अलग अलग जगह, तो मोल कॉन्सेप्ट का भी कवर अप हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। अभी तो इतनी ज्यादा क्लासेज हैं, स्लॉट तुम्हारा मिल ही नहीं रहा है, जैसे देखो आज ही का देख लो तुम्हारी कितनी क्लासेज हुई हैं। एक तो फिजिक्स का कवर अप हुआ उसके पहले जो है डाउट हुआ सॉरी, उसके बाद क्लासेज हो रही हैं। कभी भी ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, कभी भी नहीं, संडे को रखा तो भी चलेगा। हाँ तो वही है ना, आप संडे को ही रख सकते हैं सिर्फ, और कोई तो टाइम नहीं है। हाँ सर वो टाइम इसलिए घंटे की जगह 2 घंटे रख लो बस, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो सर, क्योंकि सीए भी है ना, अभी सीए भी आ रही है यार सर। नहीं तो ये थोड़ा आगे वाला स्लो करके आप पहले वाला करवा दो नॉर्मल क्लास में। नहीं बात ये है ना कि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा है, उसको पूरा पढ़ाना उसमें फिर यही भी है, बहुत सारे बच्चों जिनको जिनका पढ़ा हुआ है, मतलब जितने बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे अभी, इसमें से मैक्सिमम का तो मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा ही पढ़ा हुआ है, भले वो भूल गए हो उनको याद नहीं हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्लास में हुआ है वो। लेकिन कवर अप का मतलब होता है वो स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए रखा जाएगा जिनका छूटा है, तो रखेंगे उसको जरूर ही, तो जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे उसको रखा जाएगा। जैसे अभी ये चैप्टर हो रहा है ना, तो इसमें कहीं पे कुछ जरूरत नहीं है, जो अभी पढ़ रहे हो ना इसमें पुरानी चीजों की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, ये सब अलग चीजें हैं, जो अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद पढ़ाऊंगा इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अलग से जो छूटा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। yes, sir. देखो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ, एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपॉन पी। पी बताओ क्या है? yes, sir. लीनियर मोमेंटम। पी है लीनियर मोमेंटम। yes, सबको पता है पी इक्वल टू क्या होता है? एम वी, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एमवी को लिख सकते हैं एच अपॉन पी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, देखो समझ में आ जाएगा तुम अगर इसमें टाइम दोगे तो, इस पे डिपेंड नहीं करता है केमिस्ट्री में ज्यादा कि तुमने पिछला पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, ये
क्लस्टर टाइप की कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं से भी उठा के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ, जब स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है तो जरूरी होता है बोर मॉडल आना, वो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए जिसने बोर मॉडल नहीं पढ़ा है उसको स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आएगा, लेकिन डी ब्रॉगली किसी को भी समझ में आ जाएगा। जिसने पिछला कुछ भी नहीं पढ़ा है वो डी ब्रॉगली में फॉर्मूला ही एक है सिंपल सा। और सर ये भी बचा क्या कहते हैं सर, एक क्लास जो अभी आपने ये करवाया ना, क्या कहते हैं सर, ये गैसीय स्टेट का स्टार्टिंग का सर। हाँ हाँ, तो वो भी है आइडियल गैस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो वो भी लगभग अगर देखा जाए तो दो बार हुआ है इंटीग्रेटेड बच्चों का, एक बार क्लास में हुआ है और एक बार वैसे आपको बता रहा हूं, मेरा छूट गया तो मेरे को करना है इसमें आपको पूछ रहा हूं। हाँ, तो तुम्हारा जिस तुम हो या बाकी और बच्चे जो हैं तो उनके लिए यही है कि हम लोग को कवर अप रखना पड़ेगा, तो तुम लोग ये बताओ किस दिन फ्री रहते हो उस दिन कवर अप रखा जाए। सर लेक्चर तो हर दिन ही, क्योंकि रात तक चल ही रहे हैं पूरे दिन। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका स्कूल वगैरह शायद दिन में रहता हो सुबह सुबह। यस सर, यही सब बातों की वजह से लेक्चर जो है लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी क्लास भी रहती है हम लोग की। सर फिर यही कर सकते हैं, ये आगे का थोड़े दिन के लिए स्लो ले लो और आप यही नॉर्मल टाइमिंग में करवा दो। नहीं, बात ये है ना, वो ऐसे हम लोग को लगता है कम है लेकिन बहुत ज्यादा है। वो जो तुम्हारा छूटा है ना उसमें हमने, आप तुम ऐसे समझ लो जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये फिफ्थ मंथ चल रहा है ना, तो ऐसे समझ सकते हो कितना टाइम लगा होगा उसको पढ़ने में, तो कवर अप में ही उसको पाया जा सकता है जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, TWT वो किसी और का होगा। सुनो, हम TWT रख देंगे तुम्हारा, कब रखना है बताओ। फिर कौन से टॉपिक का रखो सर, आप बोल दो कब रखना है हम कर। देखो, जिसने नहीं पढ़ा है उसको छोड़ देते हैं, उसका जो है कवर अप के बाद रख लेंगे। बाकी लोग का मूल कांसेप्ट होंगे, उनकी रैंक लिस्ट भी आती है, TWT की भी रैंक लिस्ट आती है क्या? हाँ आती तो है, वो ऑनलाइन आ जाती है। नहीं सर, आजकल फिजिकल में अभी ये जो, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेटेड बैच में शायद उधर भेजी है इसलिए पूछ रहा हूँ, इस बार आई है, पहले नहीं आती थी शायद। लेट हो जाती है लेकिन रैंक लिस्ट बनती है। यस सर। गैसियस अभी तक पढ़ाया है, उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है ना? इसका सर, गैस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। गैसियस का तो नहीं हुआ। प्रथमेश जो टेस्ट लास्ट हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया सर? नहीं, लास्ट टेस्ट सर गैसियस का टेस्ट हुआ है, सीए वगैरह। हाँ, सिर्फ मोल था सर। मैं ये बोल रहा हूँ पार्ट टेस्ट हुआ है, पार्ट टेस्ट वगैरह हुआ है ना कुछ? हाँ सर। सर सिर्फ मोल का था ना सर, उसमें मोल रखा था ना सिर्फ? हाँ सर, सिर्फ मोल रखा था। तो एक गैसियस का TWT लेते हैं ना? हाँ सर, ठीक है। गैसियस मतलब आइडियल वाला ना? हाँ, आइडियल वाला, जितना जितना आइडियल तक है सिर्फ उतना ही। ओके सर। तो उसमें क्या, मैं भी ट्राई कर लूंगा, क्या पता कुछ तो आ जाए। हाँ हाँ, ट्राई सब कर लेंगे। यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लेना आराम से। सर आप हार्ड क्वेश्चंस भेजोगे? क्योंकि वो जो टेस्ट में आते हैं वो बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप हार्ड क्वेश्चन दे दो ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत कितने हार्ड होता आते हैं किसमें सर? टेस्ट में सर बहुत हार्ड आते हैं। कौन सा वाला टेस्ट सर? कौन सा भी, TWT, CA वगैरह। क्यों, तुम्हारा हुआ तो था टेस्ट वो? हाँ सर हुआ, पर सर क्वेश्चंस जो है वो थोड़े डिफिकल्टी लेवल उनकी ज्यादा रहती है सर। अच्छा। हाँ सर, वो असाइनमेंट वगैरह करती है उसमें इतना हार्ड नहीं रहता है। हाँ सर, वो टेस्ट ले तो होते ही नहीं है। हाँ नहीं, सर नहीं, टेस्ट में कर दे तो 10 मिनट एक क्वेश्चन को ही लगते हैं। नहीं नहीं, इस बार हो जाएगा, तुम प्रैक्टिस करके रखो सिर्फ। इस बार जो टेस्ट होगा ना मेंस लेवल का, वो जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं ना असाइनमेंट में, हाँ सर, वो सारे अच्छे लेवल के ही हैं, उस पे उससे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, बस सेम नहीं होंगे, थोड़े अलग होंगे, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सारा वैसा ही होगा। देखो हाँ, अभी उसकी तैयारी करनी स्टार्ट। एक लास्ट पूछना था। हाँ सर, जैसे अभी ये क्या कहते हैं, ये पी है जो, इसकी अगर पी हमें दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम, तो उसका यूनिट क्या रहता है? यूनिट क्या रहेगा इसका बताओ, ये किलोग्राम?
तो क्या यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना, ये यूनिट होता है लीटर मोमेंटम का। अब सुनो जैसे लिखा है फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 200 ग्राम क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल विच इज मूविंग, विच इज मूविंग, बहुत आसान है आराम से पढ़ो, विद द स्पीड ऑफ कितनी स्पीड देने है ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर पर आवर देने, ठीक है। अब इसका सॉल्व करो कैसे करोगे, फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन देखना हमें जब भी ऐसे सवाल दिए जाएं तो हमेशा यूनिट किस में रखना है सब चीजों की, बोलो एमकेएस में रखना है, एमकेएस मतलब जो मास है, मास किस में लेना है हमें किलोग्राम, स्पीड किस में लेना है मीटर पर सेकंड में, और एच की जो वैल्यू है वो भी हमें एमकेएस में है जूल सेकंड, और इसकी कोई वैल्यू बताई भी नहीं है हमने, तो ये वैल्यू इसको यूज करना है। तो ट्राई करें इसका आंसर लाएं। यस अच्छा एटॉमिक का कोई टेस्ट नहीं हुआ है क्या प्रथमेश? नहीं सर नहीं हुआ। अच्छा तो ऐसे कर सकते हैं क्या एटॉमिक और गैसियस का मिला के पेपर ले ले सर, पर वो बोर्स मॉडल वगैरह नहीं हुआ है ना सर, बोर्स मॉडल वगैरह नहीं हुआ है? नहीं बोर्स मॉडल तो तुमने पढ़ा है सर? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो अगस्त में ज्वाइन किया था ना, अगस्त आधे अगस्त में किया था कुछ का। अच्छा ठीक है तो उसका अलग से एक लेते हैं पेपर फिर, है ना, जो बच्चे पुराने वो टेस्ट देंगे वो। सर तो फिर देता हूँ, पहले गैसियस होगा, अभी गैसियस की तैयारी करो, इस वीक होगा ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं एटॉमिक का ले लूंगा। सर ये इस वीक पेरेंट्स मीटिंग है वो क्या है, मतलब वो पीटीएम बोला? हाँ पीटीएम टाइप का होता है, वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है उसमें। सर वो कैसे करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे? हाँ वो ऑनलाइन टाइप का होता है, मतलब वीडियो वीडियो ऑन करके? नहीं ऐसे ही हो जाता है, विदाउट वीडियो भी हो जाता है, ऑडियो कॉल टाइप का, कॉन्फ्रेंस कॉल। आप बोलोगे मतलब टीचर्स? हाँ हम लोग उसमें रहते हैं, या सब्जेक्ट वाइज होगा तो कोई दूसरे टीचर भी होंगे, ज्यादा नहीं होता उसमें, कुछ हल्का फुल्का टाइम ही लगता है। सर मेरा नाम भी डाल देना, शायद नहीं हो लिस्ट में ओपन हाउस, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया ना अभी पीटीएम। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ उस, नहीं नहीं होगा तुम्हारा अभी उसमें आ जाएगा। हाँ जी क्योंकि अभी शायद अपडेट ना आया। सर इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करें ना। हाँ क्या कौन करता है कंप्लेन हेमंत? नहीं कंप्लेन, कंप्लेन क्यों करेंगे सर? सर उस बैच में तो फिर भी करते थे थोड़ी बहुत, उस बैच में तो कभी कभी करते थे, मैंने एक उधर अटेंड किए। अच्छा अच्छा आंसर ला पाए तुम लोग? प्रणव का आया है 9.4 × 10⁻³, ये आया है। क्या यूनिट है इसकी, मीटर में है ना? सर पहले तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। हाँ फिर 126 को मीटर बाय सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ उसका आ गया, मतलब मैं इक्वेशन बता देता हूँ, 6.226 × 6.2626 × हाँ इसको सॉल्व करके आंसर फाइनल बताओ तुम लोग कितना आएगा। यस सर। हिमांश तुमने सॉल्व कर लिया? अभी तो तुम कुछ बता रहे थे। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करते हैं पता है, 5/18 मल्टीप्लाई करके तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है क्या सर, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ अच्छा हाँ सर, वो जीरोस कट करके वैसे ही आएगा। हाँ जीरो वगैरह कट कर लो तो इतना याद कर लेना। अच्छा ये ट्रिक अच्छी है सर, मैं तो पूरा कर रहा हूँ, लिख लेता हूँ।
18 7 जा कितना आएगा 126 यस सर मैंने कर लिया तो ऐसे 15 तो आंसर बताओ क्या आएगा तुम लोग 35 नहीं 15 आएगा सॉरी 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 हाँ सॉरी सॉरी सही है सही 35 गलती से लिख दिया आर्यन तुम्हारा आंसर आया क्या आर्यन सर चालू है व्हेन वाज मुझे नहीं पता पड़ा ना ये तो बच्चे बोल रहे हैं मुझे भी नहीं पता है तुम देखना ग्रुप पे गीता मैम से पूछ लेना या इनसे पूछ लेना क्या कहते हैं दीपाली मैम से है ना तो पता चल जाएगा तुम लोग को कब है कब नहीं है तो आंसर क्या आएगा बोलो जल्दी 6.62 हां 9.46 करोगे पावर -35 हो जाएगी सर ये किया क्या कैसे आया ये डिवाइड किया ना इसको इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 35 × 0.27 आएगा यस सर उसके बाद डिवाइड हां सर उसको डिवाइड कर दिया अच्छा पावर 33 कैसे आई कुछ लोगों की पावर ऐसा क्यों किया सर उन्होंने माइनस साइन में किसी आपने बढ़ाई ना किसी ने कम कर दी होगी वो साइन मिस्टेक होगी नहीं ये तो तुमको टेंथ से आता ही है ना ये तो यस देखो जब डेसिमल इधर बढ़ाओगे तो उधर हाँ जी सर अब हमको इसको इधर लाना है ना तो हम क्या करेंगे माइनस की बढ़ती है उसमें इसको नोट करो सर एक और क्वेश्चन दे सकते हो तो देखना अच्छा क्या इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हो इसमें सर एंगस्ट्रॉम यस सर एंगस्ट्रॉम में कितना जल्दी बताओ 10^-25 × 10^-10 लिख सकते हैं इसको ठीक है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो ऐड होती है ये 10^-10 एंगस्ट्रॉम ये एक यूनिट है डिस्टेंस की यूनिट है लेंथ की यूनिट है 1 एंगस्ट्रॉम इसको लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है ये 10^-10 समझ में आ गया यस सर तो सर वो हटा ही दिया गया हम 10^-10 वहां से हाँ उसकी जगह पे लिखेंगे ना अच्छा सर तो फिर सर और एक 10 हटा के फिर 2 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं ना वैसे तो नहीं 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 2 नहीं होगा 2 का मतलब तो है 2 से मल्टीप्लाई इतनी वैल्यू है ना 2 एंगस्ट्रॉम कितना होगा 2 × 10^-20 नहीं ऐसे होगा ना इसका okay. होता है सबने लिख लिया ये यस सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इस पे एक और ट्राई करो फाइंड द वेलोसिटी
of a particle which is moving with a speed of 200 meter per second and which have वेलोसिटी नहीं मास लिख लो मास विच हैव एक ही है विच हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 10^-10 एंगस्ट्रॉम. अब ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है तो कैसे सॉल्व होगा? फॉर्मूला जल्दी अप्लाई करो. यस सर. ट्राई करें और देखिए क्या आंसर आता है. एक सेकंड. सर ये 10^-10 एंगस्ट्रॉम है कि 10^-10 मीटर है? मीटिंग छोड़ दी आई गेस.
तो सॉरी आंसर ला पाए थे? हेलो क्या आंसर आया? 3.313 × 10⁻²। ठीक है, मतलब काफी छोटा पार्टिकल है वो, है ना? हाँ सर, मतलब अभी राइट है कि रॉन्ग है पता नहीं सर, पर ऐसा आ रहा है। अच्छा, -16 करके आ रहा है सबका किलोग्राम, मतलब जिन्होंने कमेंट किया है। सर इसका आंसर बोल सकते हो? यही फॉर्मूला है, यही है 3.313 × 10⁻³। -16 सबने लिखा है, बट सॉल्व करके देखते हैं। 20 इधर ला जा, इधर ले जाओगे तो। हाँ जी सर, देखो लैम्डा कितना है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो। यस सर, -20 मीटर हो जाएगा। यस सर, ठीक है, मास निकालना है, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है, एच की वैल्यू दी है, लैम्डा वैल्यू पुट करो। यस सर आ गया। एच की वैल्यू पुट करो, हाँ, मास जो है वो निकालना है, वेलोसिटी 200 है, मास कितना आएगा, इस तरीके से सॉल्व करना था। हाँ अब ये जो जो है ना अपना -20 ऊपर जाएगा, या यहीं पे थोड़ा और देख लो, अभी 6.626 34 2 × 10⁻²² कर देना, ये 2 जीरो के लिए। समझ रहे हो? और ये आएगा -34/-18, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 3313, और ये आएगा -13/18, किसमें आएगा, किलोग्राम में। आंसर क्या आएगा सर? 3.3 -16 × 10⁻¹. यह ओके, वेरी गुड। तो सब लोग इसको समझ ले, एक बार ध्यान से देख लें कि फॉर्मूला अगर पता है तो सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड है, बट जो मेन काम है वो यहाँ पे किस चीज का है, यूनिट कन्वर्जन का। सर आप एक बार कैलकुलेशन वापस देख सकते हो, सर आपने मीटर पर सेकंड में ले लिया है स्पीड। हाँ मीटर पर सेकंड में तो लेना है, मीटर में ही दी हुई है ना स्पीड तो। अरे एमकेएस यही तो होता है, मीटर पर सेकंड। हाँ बोलो, एक बार आप ये कैलकुलेशन देख सकते हो, क्योंकि मेरा आंसर जो आया था वो 0.313 आया था सर, × 10⁻¹⁶, ऐसे आया था सर मेरा पॉइंट। अच्छा देखो कैलकुलेशन मैच कर, शायद नहीं तो हाँ, मेरा गलत हो सकता है। हाँ देखो यहाँ से देखो, देखो तुमको कहीं गलती दिख रही है, इसमें मैच करो, यही तो सॉल्व किया मैंने। यहाँ तक तो नहीं सर, पर इसके नीचे वो 6 मिनट। हाँ इसके नीचे करोगे तो ये उसके साथ हाफ करना है बस। बराबर है, हाँ सर बराबर है सर, शायद मेरे तो कैलकुलेशन में गलती हो गई। हाँ मेरा पॉइंट पहले आ रहा था, ज्यादातर बच्चों का पॉइंट आंसर ये 313 आ रहा है। ओके सर, तो जो स्पीड है ना उसकी जो एमकेएस यूनिट है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो वही हमने ले लिए, यहाँ पे हमने मीटर में ही दे दिया ना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया होता ना सर, पहले से दिया था मीटर पर सेकंड में। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। सर एक बात पूछू? हाँ बताओ बताओ। सर जो अभी आंसर है इसमें भी एंगस्ट्रॉम को ये अलग करेंगे क्या, एंगस्ट्रॉम को? नहीं नहीं, एंगस्ट्रॉम तो डिस्टेंस की यूनिट है, किसकी यूनिट है वो, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की, तो यहाँ पे तो तुमने मास निकाला है, इसमें तो एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा। सॉरी सर, इसमें तो मास है। हाँ नहीं सर, मेरा आंसर तो ये है।
हाँ जब डिस्टेंस होती है ना वहां पे एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं. यस सर. तरीके का वन मीटर कितना होगा? 10^10 एंगस्ट्रॉम. एक बार ऊपर बोलो कर सकते हो क्वेश्चन का क्वेश्चन दिखा सकते हो एक बार. हाँ सर इसके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या यूजुअली? मतलब सर हो गया सवाल ऐसे ही होता है कुछ नहीं होता है और सर वो भले ही जेई में तो भी जेई मेंस में ही इसका सवाल आता है. एडवांस में क्या होगा इसका यूज होगा थोड़ा सवाल और बढ़ा देंगे मे बी. लेकिन सर मतलब एक आधा क्वेश्चन आप और दे सकते हो तो दे दो फिर पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. हाँ इसके क्वेश्चन दूंगा मैं इसके आगे और आएंगे अभी अभी इसके रुक जाओ अभी बताऊंगा. हाँ बोलो क्या पूछ रहे सर. वो लैम्डा है वो लैम्डा में 10^-10 इनटू 10^-10 तो फिर 10^-20 कैसे आएगा सर? अरे एंगस्ट्रॉम में दिए हैं ना. हाँ सर. तुमको उसको मीटर चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है? किस सर? हाँ सर समझ. तो वन एंगस्ट्रॉम कितना होता? हाँ सर. हाँ वो हाँ सर ठीक है सबने नोट किया. आगे बढ़ते हैं. ये फॉर्मूला याद रख. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला अभी इस पे सवाल करेंगे. इसके डिफरेंट फॉर्म पढ़ लो. डी ब्रोगली डी ब्रोगली फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म्स. सर बस एक मिनट के लिए आप ऊपर करो जो आप ऊपर की स्क्रीन थी. कहाँ पे किस लास्ट क्वेश्चन का मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. ये आंसर वाला पार्ट देखना है. कौन सा पार्ट? ये सर आंसर वाला. अच्छा तो ध्यान रहे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं. अच्छा क्या डी ब्रोगली फॉर्मूला है? एच अपॉन एम ई. कई बार क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया होता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? हाफ एम ई स्क्वायर. ठीक है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एमवी स्क्वायर. अब हमें इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. तो ध्यान रहे आ गया समझ. इसको हम कैसे इसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि हमारा लैम्डा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ जाए. तो ध्यान से देखेंगे हम लोग. अगर दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखना. मल्टीप्लाई बाई एम इन बोथ साइड इसमें ऊपर वाले में. ठीक है समझ लेना. तो क्या आएगा m इंटू काइनेटिक एनर्जी आएगा. यस सर. और इधर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा. हाँ अब ध्यान देना. दो से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 2m ke. 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी ये हो गया 2m ke इक्वल टू क्या होगा m स्क्वायर v स्क्वायर. यहां से mv कितना आएगा बोलो? 2m ke आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या लिख दिया ये नहीं समझ आ रहा. ये हां दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया फिर दोनों साइड रूट कर दिया ऐसा क्या? हां उसके बाद रूट कर दिया दोनों साइड. टेकिंग रूट बोथ साइड लिख सकते हैं. हाँ हाँ सर समझ आ गया. यहाँ से यहाँ क्या किया है रूट कर दिया सर. ठीक है हाँ रूट कर दोगे तो स्क्वायर का यहाँ पे एम वी बचेगा. अब इस क्वेश्चन को हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर वन में. इक्वेशन वन कौन सी है मान लो ये वाली. क्या लिख सकते हैं एम वी की जगह पे? स्क्वायर रूट ऑफ 2mke. 2mk भी लिखते हैं या ke भी लिखते हैं? k और ke कुछ भी यहाँ इस फॉर्मूले में है उसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी. क्या मतलब है उसका? काइनेटिक एनर्जी. k भी लिखा होता है और ke भी लिखा होता है.
वेयर डेरिवेशन तो नहीं आता ना एम नहीं फॉर्मूला कभी कभी ऑप्शन में लिखा होता है तो डेरिवेशन टाइप से हो सकता है मतलब ये फॉर्मूला ही पूछ दिया ऑप्शन में ठीक है एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल और के ई क्या है बताओ काइनेटिक एनर्जी हाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल ठीक है समझ में आया अच्छा एक फॉर्मूले का और भी इसका रूप है इसका फॉर्म है वो हम देखने वाले हैं अगर पहले बताओ हाँ इसको नोट कर लो पहले चलो फिर ऊपर कर दो एक बार स्टार्टिंग हिमांश क्लास में हो कि नहीं हो नहीं हो हिमांश नाम है तुम्हारा कि नहीं क्लास में तो हो हिमांश तुम पढ़ नहीं रहे हो अच्छा हो है तो लेकिन कुछ बोल कहां रहा है पर थोड़ा सा नीचे कर सकते हो अच्छा किसी को कोई डाउट है अभी तक बस सर एक नहीं सर अभी तक एक मिनट डाउट बस ये तो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है नो प्रॉब्लम ठीक है फॉर्मूले याद होंगे तो अच्छे से कर पाओगे अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने W इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला पढ़ा है हैंड रेज करो W इक्वल टू क्यू इंटू वी प्रथम ने पढ़ा है मतलब अगर किसी चार्ज को V वोल्टेज से एक्सेलरेट करें तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है काइनेटिक क्यू वी ओ हिमांश ओके हिमांश नो प्रॉब्लम वही तो पूछ रहा हूं मैं कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो सर आई एम आउट ऑफ स्टेशन ओके ओके हाँ काफी बच्चों ने हैंड रेस किया है अभी तो सर हाँ बोल स्क्रॉल डाउन करो ना सर नीचे हाँ इतने ही तो है तो आगे वो लोड नहीं हो रहा नीचे हो नहीं रहा दिख नहीं रहा है आ जाएगा अब आ गया अब सबको आ गया समझ में सुनो एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड अगर कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉन है कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसके लिए W इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला हमें पता है यहाँ पे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V मतलब बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V वोल्टेज
V. Then the kinetic energy of electron कितनी होगी? Then the kinetic energy of electron, इसको हम rest पे मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रखा था जीरो वेलोसिटी के साथ, उसको वी वोल्टेज से एक्सिलरेट किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो जल्दी बताओ, ई वी कितनी होगी? जिन बच्चों को ये याद नहीं है, फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। अगर वी वोल्टेज का हमारे पास कोई बैटरी लगा है, जो बच्चों को नहीं याद है वो इसको याद करें, अभी आगे चल के कभी ज्यादा टाइम से एक्सप्लेन कर जाएगा, जब भी वोल्टेज की बैटरी से ये वोल्टेज डिफरेंस कितना है? जीरो वी। हाँ, तो वी वोल्टेज का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन शुरुआत में तो स्टैटिक है, कैसा है? रुका हुआ है। जैसे ही ये बैटरी ऑन करी हमने, वैसे ही इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा बताओ, पॉजिटिव प्लेट में कि नेगेटिव प्लेट की साइड? जल्दी बताओ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव साइड भागेगा। Yes. कितनी एनर्जी ये गेन करेगा? W इक्वल टू क्यू इंटू वी से फॉर्मूला निकलता है। W क्या है यहाँ पे? एनर्जी जो गेन करेगा वो, और Q चार्ज है, और V क्या है बोलो? वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज कितना होता है? E। तो फॉर्मूला क्या आएगा? ई वी, ये फॉर्मूला याद कराया था। E की वैल्यू कितनी होती है बताओ? हाँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है? Yes, sir, इतना उसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, सबको याद है? सर एक बार एक समय लिख लेता हूँ। ये पढ़ा है तुमने प्रथमेश? W इक्वल टू क्यू वी, देखते हो आज वापस एक बार? मैंने बोला हाँ सर, अगर कोई भी चार्ज क्यू है, कितना चार्ज है क्यू, ठीक है, उसको वी वोल्टेज से अगर एक्सेलरेट करें तो कितनी एनर्जी आएगी? डब्ल्यू सर, ये शायद पढ़ा, याद कर लिया? हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो बताओ चार्ज कितना? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलो, समझ नहीं आ रहा है कुछ? नहीं नहीं, ये इतने बेसिक नहीं जा रहे हैं हम लोग, आवाज कट रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा आवाज कट रहा है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आर्यन पूछ रहा है कि ये बहुत बेसिक है, तो उसमें ये है, बेसिक तो है बट चूंकि ये स्टार्टिंग है पॉइंट, तो यहाँ पे अभी थोड़ा हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। तो बच्चे तुम्हारे साथ के हैं तो उनको थोड़ा फेमिलियर हो जाने दो इससे, जैसे जैसे ये जो आखिरी बैच आया था, मिताली है, प्रथमेश है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन करे हैं, मे बी कल्याणी उसमें हो सकती है, और भी जो बच्चे हैं, तो शायद वो ये भूल गए हो या नहीं पढ़ा हो, जैसे दक्ष तो पढ़ा ही नहीं है उसने, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम इतना उनको बताया जाए कि W इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला याद कर लें वो, समझ रहे हो? सबका कोई लॉस नहीं होगा, अपना फायदा ही होगा अल्टीमेटली, है ना? हाँ सर। तो इतना बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं हल्का सा, उसके बाद हम लोग जस्ट सीधे फिर से उसी फॉर्मूले पे वापस आएंगे, इस पे आएंगे काइनेटिक एनर्जी वाले पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ इलेक्ट्रॉन की? E इनटू V कितनी होगी? ये फॉर्मूला सबने नोट किया है, W इक्वल टू EV वाला। हाँ, अब सुनो ध्यान से, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला था लास्ट? फॉर्मूला क्या नोट लो? यही था, h अपॉन रूट टू mke काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख सकते हैं? ईवी। यस सर, समझ रहे हैं? वेयर एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का बोलो, किसको याद है? सबको याद होगा। वन पॉइंट चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है बोलो? ये होता है, और वोल्टेज क्या है? वोल्टेज चार्ज मैंने बोला है, चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ वोल्टेज,
वोल्टेज जो भी जितना भी दिया है इस फॉर्मूले को भी याद रखना है नंबर। अब इसको नोट कर जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर सकते हो आपके फॉर्मूले बना दिए बहुत कट हो रही थी लास्ट के कुछ सेकंड्स में। हाँ इसमें इसमें मैंने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम के ई लिखा है ना। हाँ जी उसकी का हमने वो कर दिया के ई बस उसको सब्स्टिट्यूट करा है। यस ठीक है तो नीचे कर सकते हैं। हाँ इसको नोट करें जल्दी जल्दी नोट करें सर हो गया ये सर एकदम नीचे बस। सर शायद नीचे हो नहीं रहा है मतलब स्क्रीन से दिखने रहा। हाँ मेरे भी नहीं हो रहा। हाँ आ जाएगा ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। सर आपको सर्दी है? हाँ यार यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बदल गया है मुंबई से। मैं सर आप कहाँ पे हो? यूपी में। अभी यूपी में अभी यहाँ मौसम बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ सर मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। हाँ ये थोड़ा चेंज अभी हम लोग को देखना पड़ेगा शुरुआत में मौसम का है ना। तो अगर इस फॉर्मूले को हम इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज करें तो उसका एक नया बेस बनता है एक नया तरीका है उसका याद करने का। फॉर इलेक्ट्रॉन हम फॉर्मूले को कैसे चेंज करते हैं? लैम्डा डायरेक्ट निकलेगा एंगस्ट्रॉम में। फॉर्मूला क्या आएगा? 150 अपॉन वी का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करके बताओ एच क्या है? कॉन्स्टेंट है। एम भी क्या है? कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है? कांस्टेंट। इन तीनों वैल्यूज को जब सॉल्व किया जाता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है। समझ रहे हो कि नहीं? स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ मिताली। हाँ 150 लिखा है। ये नहीं लग रहा है क्या? यार हर बार यही आएगा। हाँ हर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है फॉर इलेक्ट्रॉन। अरे इसको सॉल्व कर सकते हो ना एच की वैल्यू डाल दो। यस सर समझ गया। डाल सकते हो ना उसको जब सॉल्व करोगे तो अपने आप ये आएगा इतना एम मास डाल दो ई चार्ज डाल दो। वी तो वेरिएबल है ना वो तो रखा ही है बाकी सब 150 आएगा। और ये वी किस में रखना है? वोल्ट्स में रखना है 3 वोल्ट। तो अपने आप से ये फाइनली आंसर किस में देगा फॉर्मूला? एंगस्ट्रॉम में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट सवाल मेंस में भी आता है नीट में भी आता है। इस पे भी सवाल दे रहा हूं मैं। पहले नोट कर लो इसको। मैं कुछ बता का नहीं लिखा है। क्या मिताली तुम्हारा आपकी वॉइस कट हो रही है? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कुछ बच्चों ने नहीं लिखा था तो जिन्होंने सवाल का नहीं लिखा था वो यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे। सर ये नया कॉन्सेप्ट है ना मतलब एटॉमिक का? हाँ एटॉमिक का नया तो है। नहीं चल रहा है ना? नहीं 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 देखो इसको मैं तो बहुत दिन हो गया ना पढ़ा है कुछ बैचेस में पढ़ाया है वही तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि मुझे लगता था तुम लोग को पढ़ा दिया है बट सिद्धार्थ ने बताया है कि बोर्ड्स में हुआ है ये तो नॉन एंटी वालों को लग रहा होगा कि कुछ एकदम से नया आ गया है ना इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं पढ़ा है इस क्लास में आई थिंक। हाँ सर मतलब ये जेईई और नीट के। हाँ सर एक ही क्लास में नहीं हुआ ये वाले क्लास में नहीं हुआ है। तो ये फायदा हो गया कि जो अच्छी बात है सबका एकदम नया हो जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हैं कि पढ़ा ही नहीं है रिविजन टाइप का नहीं पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ रहे हैं बहुत। सर आपने वो ये नहीं भेजा वो असाइनमेंट वो आप देने वाले थे? असाइनमेंट अच्छा असाइनमेंट चूंकि रियल गैस का जो है उसमें पार्ट आ रहा था ठीक है मैं एक दूसरा असाइनमेंट भेज दूंगा उसको कर लेना आज भेज दूंगा ठीक है। ये नोट हो गया तुम्हारा? हाँ सर थोड़ा नीचे ले उसको भी भेज सकते हो तो भेज दें। हाँ कुछ हो जाओगे प्रैक्टिस के लिए।
नहीं उसमें अभी नहीं हुआ, उसको मैं फिर से नया पढ़ाऊंगा बिल्कुल, रियल गैस छोड़ दो। नहीं नहीं सर वो नहीं बोल रहा सर, ये जो आज आपने ब्रो का फॉर्मूला पढ़ा उसको बोल। हाँ इसका इसका भेजने वाला हूँ मैं। हाँ जी सर। सबका नोट हुआ ये? हाँ सर। देखो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम चाहें जल्दी सीखें या थोड़ा टाइम लगाएं, लेकिन एक बार सीखने के बाद भूलना नहीं है उसको, रिवाइज करना तुम्हारा काम है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी मैंने तो पढ़ा दिया बाद में तुम भूल गए। तो मैं दो सवाल इस पे और दे रहा हूँ आज की क्लास के लिए। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी वेवलेंथ, अभी करने है ना? हाँ, इन एंगस्ट्रॉम, इसको डिस्कस भी करेंगे, फाइंड द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग, मेरा आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ, अभी नहीं भी आएगी तो चलेगा, क्वेश्चन नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या लिखा है मैंने, ठीक है? फाइंड द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ ए प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो दे रहा हूं मैं, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब कोशिश सॉल्व करने की, देखना ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, प्रोटॉन। हाँ लैम्डा ढूंढना ना इसमें, क्या बोल रहे हैं मानसी? हाँ लैम्डा ढूंढना है ना, फाइंड दी वेवलेंथ या डी ब्रॉगली लिख लो पूरा, ठीक है, डी ब्रॉगली। तो क्या इलेक्ट्रॉन है ये? नहीं, ये क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए बताओ बच्चों कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बोलो। एच अपॉन लैम्डा, हाँ ये लगाना पड़ेगा, और उसमें भी यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। जिन बच्चों को नहीं आता है उनको बता दो, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है जूल्स में? यस सर। इसको सॉल्व करो, देखो मास भी नहीं दिया हुआ ना, मास भी याद होता है ना प्रोटॉन का, इसलिए नहीं दिया है। कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 × 10⁻¹, कितना, 27 किलोग्राम, ये याद रखना पड़ेगा। जिनको अभी तक नहीं याद है वो याद करेंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनका तो आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था जिन्होंने पढ़ा है पूरा। बोलो आर्यन क्या आंसर आया? प्रथमेश तुम लोगों का तो आंसर आना चाहिए था, कल्याणी है, मिताली है। सर प्रोटॉन का तो नहीं पता था, अभी अच्छा था। भूलना नहीं है, रिंजो बोल रहा है कि वो भूल गया था। एक बार वो क्लियर हो जाए ना बोर्स कॉन्सेप्ट सर, तो फिर मतलब सब कैसे मतलब क्लियर हो जाएगा, वो समझ ही नहीं रहा किस दर से वो चालू हुआ है मेरा, वो ही नहीं समझ रहा मुझे, इसीलिए सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, बट उसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो भी पढ़ रहे हो ना, बट हाँ तुम्हें लगता होगा कि छूटा तो नहीं है कुछ, कंफ्यूजन सा होगा तुम्हें, बट उससे कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज है। उसका स्पेक्ट्रम वैल्यूज जो है, स्पेक्ट्रम पढ़ा था तुमने? सर आज सर देखता हूँ मैं एक बार। लाइमन बामर पाश्चन ये कुछ याद नहीं है? लाइमन बामर पाश्चन तुम मोल कॉन्सेप्ट में आए? वो पढ़ा है। हाँ सर मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा पहले आया था। तो पढ़ा है तो वही तो होता है वो, हैं? ओके सर।
अरे वही बोहर मॉडल बताया है जिसमें लाइमन बामर पास्चर था, फिर भी एक बार करांगे। पता नहीं अभी क्या याद नहीं आ रहा, सब जंबलिंग हो रहा है कौन सा किस में, वो थोड़ा सा पढ़ा था तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, जब जब भी क्लास नहीं होता है उस दिन रिवीजन करो, जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, उसमें पढ़ो क्या लिखा है, कब क्या हुआ है, ऐसे तो रिवीजन करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरे दो साल का एक मूल कॉन्सेप्ट का तो पूरा क्लियर है। हाँ सर, मूल कॉन्सेप्ट का तो पूरा क्लियर है, बस एटॉमिक का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, वो शुरुआत कब हुई थी, मतलब मैं बीच के ही कॉन्सेप्ट टॉपिक से घुस गया था। मूल कॉन्सेप्ट का तो टेस्ट हुआ भी था, पार्ट टेस्ट। हाँ सर, अभी टेस्ट गैसियस का रखेंगे सिर्फ, और उसके बाद फिर एटॉमिक का रखेंगे, उसके बाद तो फिर सीए ही आ जाएगा, तो सीए में मोल और तीनों चैप्टर आएंगे। हाँ सर, सीए में मोल आएगा और पिछला वाला एटॉमिक आएगा और गैसियस आएगा, सिर्फ आइडियल गैस, रियल गैस नहीं आएगा। मतलब सर सीए में ना क्या आंसर आएगा? Okay. हाँ वो ग्रुप पे आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, H की वैल्यू लिखो इस तरीके से, 6.6 और 2m कितना है, 1.67 सर, 1.2 × 10⁻²⁺ आ गया आंसर क्या? ऐसे आ रहा है 1.2 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा तुम्हें कैसे इसको निकालते हैं। पहली बात तो यूनिट जो है सब हमने एमकेएस में रखनी है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू किसमें आएगी, मीटर में आएगी कि एंगस्ट्रॉम में, बोलो मीटर। हाँ मीटर में आएगी, उसको बाद में एंगस्ट्रॉम के लिए तो फिर वो जो, हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, कुछ ये है ना। Yes, और ये −27 और −19 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो 46। तो इसको यहाँ लिख लो। अब इसको मैं ऑलमोस्ट सेम मान लेता हूँ, वैसे मानना नहीं चाहिए, थोड़ा फर्क है, बट क्या करें, रूट निकालने के लिए इसको मानना पड़ेगा। ये पेयर बन रहा है ना, तो पेयर पेयर बाहर निकाल लो, 2 बाहर आ जाएगा और 1.6 बाहर आ जाएगा। एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया है कैलकुलेशन के लिए, yes, sir. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, और −46 का रूट कितना होगा, −23। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, −46 का रूट कितना होगा, −23। ऐसे होगा −46 की पावर 1/2, तो ये बचेगा −23। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, क्योंकि हमारे पास जब एग्जाम दोने जाओगे तो कैलकुलेटर वगैरह नहीं अलाउ होता है। तो ऑलमोस्ट 2.07 × 10⁻³⁴ और +23 तुम करोगे तो कितना आएगा, बोलो −11 आएगा। यस सर, किसमें आएगा, मीटर्स में। एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा ये सर, 2 × 2.07 एंगस्ट्रॉम है, तो कितना आएगा 0.207 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट इतना आंसर आना चाहिए। अब मैच करो अपना अपना। तो प्रणव का तो बिल्कुल सही है, प्रणव तुमने कैलकुलेटर थोड़ा यूज किया था क्या? हाँ आंसर तो तुमने बिल्कुल, मतलब तुमने पूरा किया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि प्रणव ने तो आंसर लिखा था, उसका आंसर सर मेरी इक्वेशन मेरे पास थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। प्रणव का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आया है, कैलकुलेटर लगता है उसने लास्ट में यूज किया है, यहाँ पे है ना प्रणव, यूज किया था। तो ट्राई करो विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो देखो मैंने आसान करने 0.6 मान लिया, तो मेरा आंसर आया 0.207, और अगर बिल्कुल सही करोगे तो 0.203 आएगा।
तो जो एग्जाम होता है ना उसमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, उसमें ऑप्शन ऐसे रहते हैं 0.207 एक दिया होगा, एक दिया होगा 0.8, एक दिया होगा 2.07 एंगस्ट्रॉम, एक दिया होगा 20.7 एंगस्ट्रॉम। तो अपने आप से पता है कि ये तो आंसर होंगे ही नहीं, सबसे पास क्या है, यही ऑलमोस्ट सेम है, इसके लिए भी ये आंसर है जिसने निकाला है। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं चल पाता ना, क्योंकि एडवांस में टाइप वाला आ जाता है। नहीं हाँ, उसमें एडवांस में क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब तुमको टाइप करना होगा आंसर, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप के, या उसमें क्या होता है ना, वो लोग डेटा को ऐसे रखेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब वो इस डेटा की कुछ वैल्यू दे देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ सर, कि इतना वो फर्क है। हाँ, तो उसमें सबके लिए कॉमन हो गया, हर बच्चे के लिए। उसके बाद आंसर जो आएगा ना उसमें भी होता है कि डेसिमल के टू राउंड ऑफ प्लेस करेक्ट होना चाहिए, प्लेस का वो लोग एक रेंज देंगे, भले ही वो उनका रूल है कि प्लस माइनस 0.01 ऐसा कुछ रूल बनाते हैं, या कभी कभी प्लस माइनस 0.05 का बनाते हैं। डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ से ही आना चाहिए। हाँ, उसमें भी रेंज होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब फाइनल आंसर आते हैं, जब फाइनल आंसर आते हैं आंसर कीज, तो बहुत सारे बच्चे क्लेम करते हैं कि मैंने ये वाली वैल्यू ली थी, ये लिया था, तो ऑलमोस्ट उनका रेंज पहुंच जाता है। जैसे यही क्वेश्चन था ना ये वाला, तो सुन लो इसका आंसर, जैसे ये करेक्ट है मान लिया, और किसी बच्चे ने आंसर लिखा है 2-1 तक, तो उसको भी वो करेक्ट मानते हैं क्योंकि उसने राउंड ऑफ किया है ना यहाँ पे। तो एक रेंज बना लेते हैं वो कि 0.19 से लेके 0.21 तक के आंसर उन्होंने सही दिए, मैंने कई बार देखा है। अच्छा, भले ही यहाँ पे बिल्कुल गलत लग रहा है, कई बार वो दे देते हैं, नहीं तो मिनिमम 0.200 से लेके 209, या इसको एक और बढ़ा के इधर ऐसे तक आंसर वो मानते हैं। इस तरीके की रेंज होती है आंसर, तो वो आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। अभी वो टफ लग रहा है, बट जो लिबरलाइजेशन है वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा लिनियंट रखते हैं इस मामले में, जहां पर न्यूमेरिकल। सबका हो गया ये? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो लिखो, फाइंड दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज, ये घर से कर सकते हो अगर जल्दी हो, विच इज एक्सिलरेटेड विद ए वोल्टेज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करेंगे बताओ? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है बताओ? H/2 MeV। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें डायरेक्ट सॉरी सर। ठीक है, कितना आएगा इसको सॉल्व करके बताओ प्रथमेश, दक्ष कितना आंसर आएगा इसका बताओ, बाकी लोग भी सॉल्व। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, कोई बोल रहा था कुछ? यस सर, मैं सर बोल रहा हूँ सर, इसमें लेकिन ये वाला यूज होएगा या रूट में 2 MeV वाला यूज होएगा? ये आसान है ना, ये इसी के लिए तो बनाया गया था फॉर्मूला, जब ऐसा सवाल हो, वोल्टेज दिया हो, इलेक्ट्रॉन के हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा हो, तभी तो ये फॉर्मूला बनाया है, आसान। Yes, कितना आंसर आएगा बोलो, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। हाँ, ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा किस में आएगा वो? फाइनल होगा प्रथम रूट, ऐसे कर सकते हो, 150 का रूट जो है कितना, 12 point something आएगा, 12.3 आता है का रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2। कितना सीधा 30 का भी तो निकाल सकते हैं ना, 12। हाँ, इसको डिवाइड करके ना। हाँ सर, वो ज्यादा ही रहेगा ना, डिवाइड करके 30
हाँ तो सर 30 का 5.47 समथिंग कर लो कितना आएगा। हाँ तो वहीं पे बता रहा हूँ कि वो जब उसमें डिवाइड करोगे तो 150 है, नीचे 4 है तो उसमें 5 आ जाएगा ना साइड में, तो तुमको रूट निकालना ही पड़ेगा। यस सर। समझ आया सबको? तो इस तरीके से कर सकते हो। 6.15 यस सर। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो। तो सर ये जो आंसर है एंगस्ट्रॉम में ही है ना? सर बराबर आया ना मतलब मेरा? सबका हो गया? आप खेलेंगे? हाँ सर हो गया सर। सबका हो गया था? हाँ नोट। हाँ सर। सर आप कल की स्लाइड भेज सकते हो? हाँ कल की स्लाइड भेज दूंगा। कल हुआ था क्लास ना? सर हाँ कल मतलब पिछले लेक्चर के। हाँ और सर इसके अगर आपके पास प्रैक्टिस नई क्वेश्चन है तो आप भेज देना। हाँ प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ मैं आज सुबह। हाँ जी सर। चलो बाय एवरीवन है ना। बाय सर। रिवाइज बाय सर। चलो बाय।